नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा जब बर्फी देवी चलेगी मीत हुड्डा के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश। जी हाँ, बर्फी देवी मीत हुड्डा को मरवाने के लिए जो साजिश रच रही है उस साजिश का बहुत ही अलग तरीका से देखना होगा कि आखिरकार मीत हुड्डा कैसे बच पाती है। हालांकि मीत अलावत जेल से भाग आते हैं जब उसको पता चलता है कि मीत हुड्डा के ऊपर खतरा है, वो भी बर्फी देवी की वजह से, क्योंकि बर्फी देवी जो चाहती हैं वो करके ही दम लेती हैं। और बर्फी देवी का हमेशा से ही देखा गया है कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरीका की परेशानी वो किसी ना किसी के साथ में खड़ी रखती ही हैं। और उन्होंने जो इस समय परेशानी सबसे ज़्यादा बढ़ाई हैं वो बढ़ाई हैं मीत अलावत और मीत हुड्डा के साथ में बर्फी देवी ने, क्योंकि मीत अलावत से बोल दिया है कि जा, तू अपनी लुगाई को बचाता हो तो बचा ले, क्योंकि अब मीत हुड्डा बचने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, मीत हुड्डा को होने वाला भी कुछ नहीं है, क्योंकि मीत हुड्डा एक ऐसी शख्सियत हैं जो कभी भी कुछ भी गेम बदल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि मीत हुड्डा तो स्वयं में एक बहुत बड़ी ताकत है। बात की जाए तो मीत हुड्डा बच भी जाएगी और साथ ही दोस्तों आप लोग देख पाएंगे कि एक तरीका से फिर मीत अलावत को सही सलामत जेल से छुड़ा भी लेगी। आप लोग जानते हैं कि बर्फी देवी ने बहुत बड़ी चाल खेली थी और वो चाल इसलिए खेली थी कि किसी भी तरीका से मीत हुड्डा को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सके। लेकिन समाप्त करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बर्फी देवी जैसी कितनी आई और कितनी गई, आज तक मीत हुड्डा को कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। और अपने परिवार को बचाने के लिए मीत हुड्डा हर वो प्रयास कर रही है जो उसे करना चाहिए। और अब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से कुछ लोग मारने का जो प्लान करते हैं बर्फी देवी के कहने पर, उनको भी मीत हुड्डा बहुत अच्छी तरीका से रीचैलेंज करती हुई नज़र आने वाली है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करना चाहूँगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइस आपको मेरी वीडियो आखिर कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।